तो ये आपके सामने क्वेश्चंस का डिटेल आ चुका है, आपके सामने क्वेश्चंस का डिटेल आ चुका है। बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं इस समय क्वेश्चन का पूरा डिटेल आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन का डिटेल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। ये 2 सितंबर का क्वेश्चन है और इसमें आपको दिख रहा है कि क्या आंसर था। सारी चीज़ें आप देख लें यहाँ पे। ये आपको जो है चैलेंज करना है, आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। सबसे अच्छी चीज़ है, सीधे 4 मार्क्स बढ़ने से आपकी रैंक 5,000 तक बढ़ सकती है। जिन लोगों के कम मार्क्स हैं उनकी तो सीधी 5,000। तो वो लोग ज़रूर चैलेंज करें, बहुत ज़रूरी है चैलेंज करना क्वेश्चंस को। ये बहुत ही अच्छा काम है चैलेंज करना, ये आप करेंगे बिल्कुल। अगला देखें, ये 2-1 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। कैपेसिटर का क्वेश्चन था ये, 2-1 का, 2-1 का कैपेसिटर का क्वेश्चन था। आंसर 4 है बट गिवन बाय द जेई मेंस 36। देखिए आंसर इसका 4 आ रहा है बट उन्होंने 36 दिया है, गलत आंसर दिया है एनटीए की वेबसाइट पर। देखिए गुप्ता, ये जो है, एक मिनट एक मिनट, सोमन्ना गुप्ता, सीमा कुर्थी, ये आपका बता रहे हैं। बिल्कुल आप दुखी नहीं हो, प्लीज़ प्लीज़। आपका 130 मार्क्स हैं, आपका 32,000 से 35,000 होगा। बिल्कुल, तो आप दुखी नहीं हो, बिल्कुल आपको दुखी नहीं होना है। जिन भी लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं वो क्वेश्चन चैलेंज करें, एनटीए में क्वेश्चन चैलेंज करें। मैं सभी से कह रहा हूँ, हम्बल रिक्वेस्ट है, चैलेंज टू द क्वेश्चन इन एनटीए टू इम्प्रूव योर मार्क्स। लोगों के 10-10 मार्क्स बढ़ जाते हैं, लास्ट ईयर बढ़े हैं। चैलेंज करना बहुत ही अच्छी चीज़ है, सभी लोग चैलेंज करें। बिल्कुल, 200 रुपये फीस लगती है वहाँ पे, आपको एक क्वेश्चन कम से कम चैलेंज करना चाहिए। जो भी आपकी शिफ्ट में गलत बताया जा रहा हो, ये स्टैंडर्ड कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, उनके लिए थैंक यू। रेजोनेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा, एलएन कोचिंग इंस्टीट्यूट कोटा, आकाश, कैरियर पॉइंट, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट से ये डाटा लिया गया है। इसके बाद गिरीश कुमार गोंडा, इनके 220 मार्क्स हैं। गिरीश कुमार गोंडा, इनकी रैंक बताई जा रही है 220 मार्क्स में। बिल्कुल बिल्कुल, 220 मार्क्स में गिरीश कुमार गोंडा। बिल्कुल, आपकी रैंक रहेगी 500 से 1,000 के बीच में, 500 से 1,000 के बीच में। गिरीश कुमार गोंडा 220 मार्क्स। बिल्कुल सभी की रैंक यहाँ पे बताई जा रही है रेगुलर, और साथ ही ये आपको क्वेश्चंस भी बताए जा रहे हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपको चैलेंज करना। अगला देखिए, 2-2 का क्वेश्चन है ये, 2-2 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, 2-2 का ये क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख सकते हैं 2-2 का क्वेश्चन है ये। ये क्वेश्चन मै है, मैच द टाइप ऑफ इंटरेक्शन इन द कॉलम ए। तो ये आप देख सकते हैं, इसमें आंसर रेजोनेंस ने आंसर 4 गिवन, एनटीए ने आंसर 2 दिया है। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल आपको चैलेंज करना चाहिए, बिल्कुल नेसेसरी है, इससे सभी को फ़ायदा होगा, आपको चैलेंज करना चाहिए। ये 3-1 का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 3-1, क्वेश्चन नंबर 6, एनटीए आंसर गिवन इज 4, आंसर 1 है इसका और एनटीए ने आंसर इसका 4 दिया है। ये आप देख सकते हैं, फिजिक्स बहुत ही महत्वपूर्ण अच्छा क्वेश्चन ये है। आपको बिल्कुल पूरा सोल्यूशन कंप्लीट, सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं। बिल्कुल नेक्स्ट देख सकते हैं आप, बिल्कुल नेक्स्ट देख सकते हैं। ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट का क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है ये। आप इसका आंसर 142 आ रहा है जबकि एनटीए ने 58 दिया हुआ है, एनटीए ने 58 दिया हुआ है ये। इसके बाद आप देख सकते हैं 3-2 का क्वेश्चन है, 3-2 का, हाइपोथेटिकल सिचुएशन वेयर एजीमुथल नंबर्स, ये क्वेश्चन आप पूरा देख सकते हैं स्क्रीन पर, आपको दिख रहा है। सभी की रैंक बताई जाएगी, थोड़ा सा वेट करें, ये पूरा काम हो जाए क्वेश्चन वाला। बिल्कुल थोड़ा सा आपको वेट करना है, ये क्वेश्चन वाला काम हो जाए, 2 मिनट आप वेट कर लें प्लीज़। हम्बल रिक्वेस्ट है सभी लोगों से, क्वेश्चन वाला काम बहुत ज़रूरी है बताना, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। हम लोग आपके सपोर्ट के लिए काम कर रहे हैं 24 घंटे, आपके मार्क्स 10 से 20 मार्क्स बढ़ जाते हैं, बहुत ही फायदा आपको होगा, आपकी रैंक बढ़ेगी, इसलिए ये काम कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को हम लोग मोटिवेट कर रहे हैं, वो चैलेंज करें एनटीए में जाके। बिल्कुल बहुत ही ज़रूरी चीज़ आप लोगों के लिए हो रही है। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 6-2 का क्वेश्चन है, बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद 6-4 का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये
द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइपोथेटिकल एटम डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द शॉर्टेस्ट वेव लेंथ। एंटी ने इसका आंसर 10533 दिया है, जबकि रेजोनेंस ने इसका आंसर 14553.14 दिया है। ये साइज बढ़ा देते हैं, देख सकते हैं आप, साइज बढ़ा देते हैं, ये क्वेश्चन की साइज यहाँ पे बढ़ा दी गई है बिल्कुल, तो ठीक तरीके से आपको दिखाई दे रहा होगा ये क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट वे में आपको दिखाई दे रहा होगा। सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, आपके सेशन का जो भी क्वेश्चन आए उसको पक्का चैलेंज करें, आपके मार्क्स बढ़ेंगे, मार्क्स हालांकि सबके बढ़ेंगे कोई भी चैलेंज करें, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी आप भी प्रयास करें चैलेंज करने का। ये आपका 41 देखिए 41, ये 41 का है, इसमें एनटीए ने आंसर 266 दिया है, जबकि एक्चुअल आंसर 26.67 है। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप ध्यान से चैलेंज करें, ₹200 फीस होती है वहाँ पे चैलेंज करने की, आज रात 10 बजे तक आप चैलेंज कर सकते हैं, और ये बिल्कुल एक्सपर्ट के द्वारा रिकमेंडेड है, तो आप अगर चैलेंज करेंगे तो बहुत ही फ़ायदा आपको होगा, आपके 10 मार्क्स तक बढ़ेंगे और आपकी रैंक तो हज़ारों में बढ़ जाएगी, बहुत ही फ़ायदा आपको होगा। 41 कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड एट ए डिस्टेंस, ये पूरा वर्चुअल इमेज फॉर्म्ड, ये पूरा आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये 41 का क्वेश्चन है, 41 का, बिल्कुल 41 का क्वेश्चन है ये, आप देख सकते हैं। सभी लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है क्वेश्चन चैलेंज जरूर करें, और ये आप देख सकते हैं इसका आंसर एनटी ने 5 दिया, आंसर 6.25 आ रहा है। ये शिफ्ट 42 का क्वेश्चन है, कैपेसिटर का क्वेश्चन है, 42 शिफ्ट 42 का कैपेसिटर का क्वेश्चन, एनर्जी वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर 1/6 CV² आ रहा है, पर यहाँ पे 3 दिया गया है, ये इस तरीके से 42 क्वेश्चन 42। ये पूरा PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पर है, और तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लें, पूरे क्वेश्चन का PDF आपको वहाँ से मिल जाएगा, और अच्छे से आप स्टडी कर सकते हैं। बिल्कुल 42, ये देखिए 42, तो आपका आंसर 4 है इसका, एनटी ने बन दिया है ये 52, आप देख सकते हैं क्वेश्चन 52, फिफ्थ 2, 52 का नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है 61 में दो क्वेश्चन है, 61 में दो क्वेश्चन है आप देख सकते हैं, बिल्कुल इसके बाद 61, ये तो ये पूरा PDF 61 आप डाउनलोड कर सकते हैं, टोटल आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये टोटल है आपका, आप ध्यान से देखें इसमें, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो कैलकुलेशन रैंक का शुरू करते हैं, ऋतिक चंद्र से शुरू करते हैं, इनके 140 मार्क्स हैं, ऋतिक चंद्र ये 140 मार्क्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल आपकी 12,000 से 15,000 के बीच रैंक रहेगी, ऋतिक चंद्र की रैंक 12,000 से 15,000 के बीच रहेगी। ये इसके बाद सबद, इनका 89 मार्क्स हैं, सबद के 89 मार्क्स, बिल्कुल बिल्कुल 89 मार्क्स आपका कैलकुलेशन, ठीक है 89 मार्क्स हैं आपके, आपकी रैंक 1,65,000 से 1,85,000 के बीच होगी, सबद 1,65,000 to 1,85,000 के बीच में सबद आपकी रैंक रहेगी। बिल्कुल लगातार कैलकुलेशन यहाँ पे जारी है, लगातार कंटिन्यू कैलकुलेशन यहाँ पे जारी है आपका, एक मिनट, ये पूरा जो है PDF जो है डाल दिया जा रहा है हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और आप चैलेंज कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, और आपको तुरंत उसका बड़ा फ़ायदा होगा, ये कन्फर्म है।